बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको कैपेसिटर, दिमाग में होगा बेटा कि कैपेसिटर एक डिवाइस होता है बेटा, और उसका मेन काम होता है टू स्टोर द चार्ज। और दूसरा वर्ड उसका सिंबल आपको आ गया था, तीसरा वर्ड था बेटा क्यू इज इक्वल टू सी ऑफ वी, और सी का मीनिंग था कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस का मतलब होता है बेटा उसकी कैपेसिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा। अगर मैं बोलता मोर कैपेसिटेंस तो आप समझेंगे सर मोर चार्ज गेन, और लेस कैपेसिटेंस तो लेस चार्ज गेन। अगला वर्ड था बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो अभी पढ़ में याद करेंगे दैट्स द इंडक्शन, दैट्स क्या बेटा इंडक्शन, और पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। फिर हमारा अगला वर्ड था बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप ऐसे करके याद कर लेंगे अगर सीरीज होगा तो चार्ज इज सेम एंड द पोटेंशियल इज डिफरेंट, और अगर पैरेलल होगा तो पोटेंशियल इज सेम एंड द चार्ज इज डिफरेंट, ये इसका बेटा फॉर्मेट था। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इसके कराए थे, उन क्वेश्चनों को एक बार रिपीट मार देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये था बेटा, आप आराम से देख के बता पाएंगे कि सर यहाँ पे ऑल आर ज्वाइन इन सीरीज, तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, पर मैं अगर इसको ऐसे कर दूं बेटा देयर इज अ सी वन, देयर इज अ सी टू, और देयर इज अ सी ऑफ थ्री, तो आप बोलेंगे सर ऑल आर इन सीरीज। अगर फॉर्मेट ये वाला होगा तो आप कहेंगे सर फर्स्ट टू आर इन सीरीज एंड सी थ्री इन पैरेलल, दिमाग में होगा। अगला वर्ड था बेटा अगर इसे ऐसे कर दें तो आप कहेंगे सर ऑल आर ज्वाइन इन पैरेलल, क्योंकि सब में जो चार्ज है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो आप कहेंगे सर ऑल आर ज्वाइन इन पैरेलल। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये था दैट्स अ सी ऑफ फोर, अगर आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस तो आप कहेंगे सर फर्स्ट थ्री आर ज्वाइन इन पैरेलल इन द सी फोर इन द सीरीज। ये था बेटा हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक, और इसके न्यूमेरिकल्स करा हुआ थोड़े से गंदे गंदे हैं, बट देखो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को रटना नहीं इन क्वेश्चनों के फॉर्मेट को एक बार समझना, अगर फॉर्मेट समझ गया तो क्वेश्चन आराम से करता जाएगा बेटा। बड़े कॉमन कॉमन से क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए बेटा मुझे एक डायग्राम ऐसे मेंशन है, इस डायग्राम में डेट्स अ कैपेसिटर, और यहाँ पे एक डेट्स अ कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, और ये भी कैपेसिटर, डेट्स अ ए, डेट्स अ बी, डेट्स अ सी, और डेट्स अ डी, डेट्स अ सी वन, डेट्स अ सी टू, डेट्स अ सी थ्री, डेट्स अ सी फोर, एंड डेट्स अ सी ऑफ फाइव। अब मैं कहूँ या ना कहूँ बेटा हर एक का वैल्यू कितना बेटा 2 माइक्रो फैराड, जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सी वन भी 2 माइक्रो फैराड, सी टू भी 2 माइक्रो फैराड, सी थ्री भी 2 माइक्रो फैराड, ऑल आर दैट 2 माइक्रो फैराड, मैं हर एक केस में 2 माइक्रो फैराड लेके चलूंगा। और हमारा क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द सी। क्वेश्चन के मीनिंग को समझने का प्रॉपर क्वेश्चन है सर फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द सी। क्वेश्चन को फिर दोबारा समझ लें, हमें नेटवर्क बेटा मेंशन है और हमसे बोला गया फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द सी। तो आसान सी भाषा में समझ लो बेटा कि ए एंड सी का मतलब होता है कि जो करंट है वो बेटा ए से आएगा और सी से जाएगा, इस लाइन का मतलब ये होता है। अगर ये लाइन क्लियर हो गई तो क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन है, इसने बोला कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द सी, पहले समझ लो करंट ए से आ रही है और सी से जा रही है, बस खत्म। देख बेटा अब करंट अगर ए से आएगा तो यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो इन दोनों में करंट एक ही वायर से आ रहा है, तो दिस टू आर ज्वाइनिंग सीरीज, और इन दोनों में भी करंट एक ही वायर से फ्लो कर रहा है बेटा, तो दिस टू आर आल्सो ज्वाइनिंग सीरीज। ध्यान से देखें लॉजिक क्या था बेटा कि अगर चार सेम तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और चार डिफरेंट तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक तरीका और होता है बेटा कि चार्ज अगर एक ही वायर से फ्लो कर रहा है दैट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और चार्ज अगर डिफरेंट वायर से फ्लो कर रहा है तो दैट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो बेटा इन दोनों में चार्ज एक ही वायर से फ्लो कर रहा है तो दिस टू आर ज्वाइनिंग सीरीज, और दिस टू आर आल्सो ज्वाइनिंग सीरीज, बाद में ऑल आर ज्वाइनिंग पैरेलल। देखो बेटा अगर इसे प्रॉपर सॉल्व करें तो फर्स्ट पॉइंट आप मार्क करेंगे सी वन एंड द सी टू, सी वन एंड द सी टू आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, अगर दोनों सीरीज में होंगे तो 1 upon C1 plus 1 upon C2 = 1 upon C of 1 2, इसका वैल्यू भी 2 माइक्रो फैराड और ये वैल्यू भी 2 माइक्रो फैराड, तो वैल्यू क्या बना बेटा डेट्स ऑफ 1/2 और डेट्स ऑफ 1/2, तो डेट्स ऑफ 1 सॉल्वर्स करेगा तो C of 1/2 is the 1 माइक्रो फैराड, मतलब बेटा इन दोनों का हमने एक बना लिया डेट्स ऑफ 1 माइक्रो फैराड, अब दोनों बचे एक बन गया और एक वैल्यू क्या बनी 1 माइक्रो फैराड। Similarly, C3 and the C4 are also in series. The second point क्या बोलेगा बेटा कि C3 and the C4 are also in the series. ये भी बेटा series combination में है, तो क्या बनेगा 1 upon C3 plus 1 by C4.
4, और डेट्स द 1/C3/4, और अगेन डेट्स द 1 माइक्रो फैराड, सेम ही आएगा। तो C3/4 का वैल्यू भी कितना निकला बेटा, 1 माइक्रो फैराड। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, देखो बेटा इन दोनों का हमने एक बना लिया, इन दोनों का अगर हम एक बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या बन चुका है, डेट्स द क्वेश्चन, इसका हमने एक बना लिया और इसका भी हमने एक बना लिया। अब देखिए बेटा डेट्स द ए और डेट्स द सी, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो एक बना डेट्स द सी ऑफ 1 2, और यहाँ पे जो एक बना डेट्स द सी ऑफ 3 4, और डेट्स द सी ऑफ 5। एकदम साफ दिख रहा है सर, इसमें अलग वायर, इसमें अलग वायर, और इसमें अलग वायर, तो ऑल आर इन पैरेलल। देखो बेटा अगला वर्ड क्या बनेगा कि C12 एंड द C34 एंड द C5 इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो C12 प्लस C34 प्लस C5, और दैट्स द C12 3 4 5। तो आंसर इज द 1 + 1 + 2, यानी कि आंसर इज द 4 माइक्रो फैराड। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा क्वेश्चनों में, टीचर आपको आसान सी भाषा में बोलेगा, उसने बोला कि फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी। तो वैसे करके समझो कि करंट ए से आ रहा है और सी से जा रहा है। अगर मैं सेम क्वेश्चन दूं और कहूं कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी, तो आप क्या समझोगे सर, ए से आएगा और डी से जाएगा, इसमें रटना नहीं है बेटा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वाला बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करेंगे, समझाऊंगा मैं डायग्राम, वही सेम क्वेश्चन बिल्कुल बेटा, बस क्वेश्चन का बॉडी चेंज कर रहा हूँ, जैसा ए, जैसा बी, जैसा सी और जैसा डी, जैसा C1, जैसा C2, जैसा C3 और जैसा C4 और जैसा C5। और वही क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द डी, बस क्वेश्चन को समझ जाना बेटा, और हर एक का वैल्यू कितना बेटा, इफ द ईच कैपेसिटर इज ऑफ कितना बेटा 2 माइक्रो फैराड। एक शॉर्टकट तुम्हें सिखा दिया बेटा मैंने, उसने बोला कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द डी, किसकी, दो पॉइंट की बात कर रहा है, ए की और डी की। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा जो करंट है वो ए से आएगा और डी से जाएगा, जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द डी, तो आप यही समझो कि जो करंट है वो ए से आ रही है और डी से जा रही है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब सोचो करंट अगर यहां से आएगा तो कितने पार्ट से डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे बेटा डिवाइड हो गया। अब ये करंट यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा, तो एकदम साफ दिख गया कि दोनों में करंट एक ही वायर से फ्लो कर रहा है, तो दीस टू आर जॉइन इन सीरीज। तरीका याद करना बेटा, अगर एक ही वायर से फ्लो कर रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और डिफरेंट वायर से फ्लो कर रहा है, दैट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन। लगाओ दिमाग, यहां पे C1 एंड द C2 आर जॉइन इन सीरीज, जो भी एक बनेगा वो इससे पैरेलल होगा, फिर जो बनेगा वो इससे सीरीज में होगा, फिर जो बनेगा वो इससे पैरेलल होगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, देख बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहला वर्ड बोलेगा C1 एंड C2 आर जॉइन इन सीरीज, दोनों बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 1/C1 + 1/C2 इज इक्वल टू 1/C12, और दैट्स द 1 माइक्रो फैराड, 1/2 + 1/2, यानी कि दैट्स द 1 माइक्रो फैराड। तो C12 का वैल्यू कितना निकला बेटा, 1 माइक्रो फैराड। अभी शुरुआत है तो डायग्राम को चेंज करते हुए फिर चलो, अभी दोनों का आपने एक बना लिया, अब इसका नेक्स्ट डायग्राम बेटा अगर फॉर्म कर दें साथ साथ, तो डायग्राम ये बनेगा, दैट्स द डायग्राम। हाँ जी बेटा, इस वाले डायग्राम के अंदर इस दोनों का भी बना चुके हैं, और इसका नाम क्या है बेटा, C of 1 2, करंट ए से आ रहा है और डी से जा रहा है, ये डायग्राम बेटा। अब देखें इसके बाद एकदम साफ दिख रहा है कि सर इसमें, इसमें और इसमें डिफरेंट वायर से आ रहा है, तो क्या कहेगा, दीज टू आर ज्वाइन इन पैरेलल, यानी कि C12 एंड C5 आर ज्वाइन इन पैरेलल। तो हमने आंसर दिया कि सर C12 एंड द C5 आर ज्वाइन इन पैरेलल, क्यों, क्योंकि दोनों में जो करंट है वो अलग अलग वायर से आ रहा है। एक ही करके सॉल्व करो पहले ये और ये, उसके बाद सोचो फिर डायग्राम क्या बनेगा। तो C12 एंड द C5 आर जॉइन इन पैरेलल। तो हमने लॉजिक बताया कि सर C12 एंड द C5 आर जॉइन इन पैरेलल, दोनों बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो C12 प्लस C5 और दैट्स द C125, दैट्स द 1, और हर एक का वैल्यू कितना है 2, तो 1 + 2, यानी कि दैट्स द 3 माइक्रो फैराड। नेक्स्ट डायग्राम बेटा, अब हम यहां पहुंच चुके हैं, इन दोनों का हमने एक बना दिया, तो अगर हम फर्दर सॉल्व करें क्वेश्चन को तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही बचेगा, दैट्स द कैपेसिटर, इन दोनों का भी एक बना चुके हैं,
ये डायग्राम और ये डायग्राम ये बचा। देखिए बेटा क्वेश्चन को, दैट्स द पॉइंट ऑफ ए, दैट्स द पॉइंट ऑफ बी, करंट यहां से आ रहा है और यहां से जा रहा है, दैट्स अ सी 1 टू 5, दैट्स अ सी 3 और दैट्स अ सी ऑफ 4। देखिए बेटा अब इस डायग्राम के बाद अगर आगे चलेगा तो एकदम साफ दिखता है, सॉल्व करो, नेक्स्ट डायग्राम बनाओ, अपने आप दिख जाएगा आपको साफ दिख गया कि सर दिस टू आर जॉइनिंग सीरीज, तो वो किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। तो उसको फर्दर सॉल्व करेगा तो सी 1 टू 5 एंड द सी 3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन कौन सा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो प्रॉपर सॉल्व करेगा तो सी 1 टू 5 और प्लस सी 3 और दैट्स इक्वल्स टू सी 1 2 3 एंड द 5, इसका वैल्यू कितना निकला 3 और सी 3 का वैल्यू 2, यानी कि दैट्स द बेटा 5 माइक्रो फैराड। इसका मतलब बेटा इन दोनों का हम एक पर आ चुके हैं और दोनों का एक वैल्यू कितना आया 5 माइक्रो फैराड। फिर फ्रॉम द नेक्स्ट डायग्राम, अगर फिर से नेक्स्ट डायग्राम फॉर्म करेगा दैट्स द बेटा सी ऑफ 4 और इस ऊपर के पार्ट का सारे का हमने एक बना लिया, तो एक वैल्यू का नाम क्या निकला बेटा सी 1 2 3 एंड द 5। देखिए बेटा दैट्स अ पॉइंट ऑफ ए और दैट्स अ पॉइंट ऑफ बी, बिल्कुल साफ दिख रहा है डायग्राम में। देखो बेटा क्वेश्चन को हम यहां से लेके चले, क्वेश्चन हमारा ये था, डायग्राम मेंशन है और क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी। अब ए एंड डी का मतलब होता है करंट ए से आएगा और डी से जाएगा, मैं ड्रॉ करा। फिर मुझे पहले स्टेप में क्या लिखा कि दिस वाले सीरीज मैंने एक बना लिया, अब जो एक बना वो इससे पैरेलल में एक बन गया ये, फिर उसके बाद ये हो गया पैरेलल में, तो इन दोनों का मैंने फिर से एक बनाया और वो कौन सा बना सी 1 2 5 बन गया। अब सी 1 2 5 एंड द सी 3 आर जॉइनिंग सीरीज क्योंकि दोनों में करंट एक ही बार से फ्लो कर रहा, तो इसका अगर ए फॉर्म करेगा सी 1 2 3 एंड द सी 1 2 5 एंड द सी 3 आर जॉइनिंग सीरीज। सॉरी ये क्वेश्चन यहां पे बेटा लग गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया। सी 1 2 देखिए मेरे एक बार क्वेश्चन को, यहां तक ठीक है बेटा, सी 1 2 एंड द सी 5 आर जॉइनिंग पैरेलल, दोनों का मैंने बना दिया और पैरेलल में कितना बना 3 माइक्रो फैराड। इसके बाद सी 1 2 5 एंड द सी 3 आर जॉइनिंग सीरीज। देखिए बेटा प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, सी 1 2 5 एंड द सी 3 आर जॉइनिंग सीरीज, दोनों का बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है और दोनों का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो 1 अपॉन सी 1 2 5 और प्लस 1 बाय सी ऑफ 3 और दैट्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सी 1 2 3 एंड द 5, दैट्स द 1 बाय 3 और दैट्स द 1 बाय 2, एलसीएम लेंगे दैट विल बिकम 5 बाय 6, उल्टा करेंगे तो सी 1 2 3 5 दैट विल बिकम 6 बाय 5 माइक्रो फैराड। सॉरी बेटा ध्यान नहीं रहा जल्दी। नाउ दिस वाली सीरीज अब इन दोनों का हमने एक बना दिया और एक कौन सा बना सी 1 2 3 5, तो हमारा नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा कि सर दैट्स अ सी ऑफ 4, दैट्स अ सी ऑफ 4 और उसके साथ में ये जो ऊपर आप एक बना चुके हैं दैट्स अ सी 1 2 3 एंड द 5। अब देख के बताओ बेटा दैट्स अ ए और दैट्स अ बी और क्वेश्चन था कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी, तो आपको साफ दिख रहा है कि दिस टू आर जॉइनिंग पैरेलल, दिस टू आर जॉइनिंग, तो मार्क करो कि सर सी 4 एंड द सी 1 2 3 5 आर जॉइनिंग पैरेलल, दोनों बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो सी 1 2 3 5 और प्लस का सी 4 और दैट्स इक्वल्स टू सी 1 2 3 4 एंड द 5, पांचों का सर आ गए, इसका वैल्यू कितना निकला बेटा 6 बाय 5 और सी 4 का वैल्यू कितना बेटा 2 यानी कि दैट्स द 16 बाय 5 माइक्रो फैराड। तो कंफ्यूजन नहीं क्वेश्चन है, शुरुआत से एक बार क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन था बेटा कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द डी, तो कुछ नहीं करो जो फर्स्ट साइड में दिख रहा है दिस वाली सीरीज जो एक बनेगा इससे पैरेलल, जो एक बनेगा इससे सीरीज, बाद में दिस वाले पैरेलल, ट्राई करेगा क्वेश्चन हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में कुछ वर्डों को समझे, इसने क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, इसका वैल्यू फाइंड करना है बेटा, सी का वैल्यू निकालना है, इफ द टोटल कैपेसिटेंस, इफ द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी इज द 1 माइक्रो फैराड एंड द ईच कैपेसिटर, कौन सा बना बेटा ईच कैपेसिटर इज द 2 माइक्रो फैराड। देखो बेटा क्वेश्चन बार बार समझो, अपने आप क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो दिखता है वही करते जाओ, खत्म क्वेश्चन। देखो बेटा इसका क्वेश्चन है कि सी का वैल्यू कितना होना चाहिए यदि ए और बी के बीच में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं उन सबका एक वैल्यू कितना है बेटा 1 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन को फिर दोबारा समझ लो,
लंबा क्वेश्चन है बेटा, टाइम खाएगा, एक बार फॉर्मेट समझना फिर गलती नहीं होगी, एक बार देखना सीख जाओ क्वेश्चन को। इसका क्वेश्चन है कि सर सी का वैल्यू कितना होना चाहिए इफ द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड द बी इज द 1 माइक्रो फैराड। मतलब बेटा ए और बी के बीच में जितने भी कैपेसिटर हैं उन सबका वैल्यू मिलकर कितना है बेटा 1 माइक्रो फैराड। तो फर्स्ट साइड क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिखे अब वही करना शुरू कर दो। आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सर कुछ भी हो जाए इन दोनों में करंट अलग अलग वायर से आएगा, अगर अलग अलग वायर से आएगा तो दिस टू आर इन पैरेलल, साफ दिख गया। उसके बाद इन तीनों में करंट एक ही वायर से आएगा, इन दोनों में करंट एक ही वायर से आएगा तो दिस टू आर ऑल्सो इन सीरीज। तो आपको सबसे पहले क्या दिखा कि इन दोनों में करंट अलग अलग वायर से आ रहा है तो दिस टू आर इन पैरेलल, और इन दोनों में करंट एक ही वायर से आ रहा है तो दिस टू आर इन सीरीज, साफ दिख रहा है बिल्कुल। देखो बेटा जो हमें सबसे पहले दिखा हम वही काम करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा बोलेंगे सी टू एंड द सी थ्री आर इन पैरेलल। सबसे पहला वर्क जो हम कर रहे हैं कि सर दिस टू आर जॉइनिंग पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल में होंगे तो सी टू प्लस सी थ्री दैट्स अ सी टू थ्री और ये भी 2 माइक्रो फैराड और ये भी 2 माइक्रो फैराड, तो 2 प्लस 2 यानी कि दैट्स अ बेटा 4 माइक्रो फैराड, इन दोनों का हमने एक बना लिया। अगला पार्ट दिस टू आर ऑल्सो जॉइनिंग सीरीज, तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं बेटा दैट्स अ सी फोर एंड द सी फाइव आर ज्वाइनिंग सीरीज। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो करंट है वो एक ही वायर से फ्लो कर रहा है, दैट्स अ 1 बाय सी फोर प्लस 1 बाय सी फाइव। फॉर्मूला याद है बेटा सीरीज और पैरेलल, तो दैट्स अ 1 अपॉन सी ऑफ 4 ए 5 यानी कि दैट्स अ 1 बाय 2 और दैट्स अ 1 बाय 2 यानी कि दैट्स अ 1 माइक्रो फैराड। तो इसे के यहां पहुंचेंगे कि सर इन दोनों का एक बन जाएगा और इन दोनों का भी एक बन जाएगा। चलो नेक्स्ट डायग्राम के साथ साथ फॉर्म कर लेते हैं। अगर इसका नेक्स्ट डायग्राम अगर हम फॉर्म करेंगे दैट्स अ सी, दैट्स द सी और दैट्स द सी वन, दैट्स अ सी वन जो हमें दिख रहा है, अगला पर दोनों का हमने एक बना लिया और दैट्स द सी टू थ्री, दैट्स अ सी टू थ्री। अगला यहाँ पे कौन सा बेटा सी ऑफ सेवन, सी ऑफ ए सेवन, ये कौन सा बेटा सी ऑफ सिक्स, सी ऑफ ए सिक्स, और इन दोनों का हमने फिर से एक बना लिया और दैट्स अ सी फोर फाइव जो मुझे दिख रहा है, हम सर वही काम कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन में। आगे जाएंगे दैट्स अ डायग्राम, दैट्स अ पॉइंट ऑफ ए और दैट्स अ पॉइंट ऑफ बी, तो क्वेश्चन को रटो नहीं सॉल्व करो फिर नया डायग्राम, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा मुझे क्या करना है। अब ये नेटवर्क जो था वो ये बन चुका है, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सर इन दोनों में करंट एक ही वायर से आएगा तो दिस टू आर इन सीरीज, और इन दोनों में करंट अलग अलग वायर से आएगा तो दिस टू आर इन पैरेलल। बिल्कुल साफ दिख गया होगा कि सर दिस टू आर इन सीरीज और दिस टू आर इन पैरेलल, करंट अगर एक ही वायर से फ्लो कर रहा है दैट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन और डिफरेंट वायर से फ्लो कर रहा है तो दैट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, इसे फर्दर सॉल्व करेगा तो बोलेगा सी वन एंड द सी टू थ्री आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन की भैया ये दोनों किसमें आएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा तो 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू थ्री इज इक्वल टू 1 बाय सी वन टू थ्री। प्रॉपर सॉल्व करेंगे दैट्स 1 बाय 2 और इसका वैल्यू कितना बेटा 1 बाय 4, सी टू थ्री का वैल्यू कितना बेटा 4 है। अगर हम इसे और सॉल्व कर दें तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा 4 यहां पे 2 यानी कि 3 बाय 4 यानी कि 1 अपॉन सी 1 2 3, तो वी कैन से सी 1 2 3 का वैल्यू कितना बेटा 4 बाय 3 माइक्रो फैराड। और दिखा हमें साइड में कि सर दिस टू आर जॉइनिंग पैरेलल, तो हम बोलेंगे सर सी 4 5 एंड द सी 6 आर जॉइन इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो सी 4 5 प्लस सी 6 और दैट्स अ सी 4 5 6, सी 4 5 का वैल्यू कितना निकला बेटा 1 और सी 6 का वैल्यू कितना है 2, तो दैट विल बिकम 3 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन को बार-बार समझो फिर आगे चलो बेटा। हमारा ये क्वेश्चन था बहुत लंबा क्वेश्चन है पर तरीके से करोगे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन था बेटा कि सी का वैल्यू कितना होना चाहिए इफ द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी इज द 1 माइक्रो फैराड, तो जो मुझे दिख रहा है मैं करता जा रहा हूं दिस टू आर इन पैरेलल और दिस टू आर इन सीरीज, एक बनाया डायग्राम ये बन गया, नाउ दिस टू आर इन सीरीज और दिस टू आर इन पैरेलल यहां पहुंच गया। अब इसका अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम अगर फॉर्म करूं बेटा तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा, दैट्स अ सी, दैट्स द सी और दैट्स अ पॉइंट ऑफ ए, फर्दर लेके आएंगे इन दोनों का हमने एक बना दिया बेटा और एक कौन सा बना हमारा सी 1 2 3, एक बन गया
डेट्स अ बेटा सी ऑफ सेवन, सी ऑफ ए सेवन, इन दोनों का हमने फिर से एक बना दिया और वो एक कौन सा बना बेटा सी फोर फाइव एंड द सिक्स। अब हमारा डायग्राम सिर्फ ये बन चुका है कि डेट्स द ए और डेट्स द बी। अब देखो बेटा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन अपने आप बताने का कि मुझको ये करना है। आप उस डायग्राम में नेक्स्ट डायग्राम बनाते ही दिख दिया कि सर इन दोनों के अंदर जो करंट है वो एक ही वायर से आएगा, तो कंफर्म दीस टू आर आल्सो जॉइनिंग सीरीज, बिल्कुल ठीक क्या होगा। तो अगला पार्ट बोलेगा कि सर सी सेवन एंड द सी फोर फाइव सिक्स आर जॉइन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सर दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो 1 अपॉन सी फोर फाइव सिक्स प्लस 1 बाय सी ऑफ 7, दैट्स द 1 बाय सी, 1 बाय सी ऑफ 4 5 6 एंड द 7। तो देखिए बेटा 1 अपॉन सी फोर फाइव सिक्स का वैल्यू कितना बेटा 3, दैट्स द 1 बाय 3 और दैट्स द सी ऑफ 7, दैट्स द 1 बाय 2, एलसीएम कितना आएगा 6, यहां पे 2 यानी कि 5 बाय 6 आ जाएगा। उसे उल्टा करेंगे तो C 4 5 6 एंड द 7 दैट विल बिकम 6 बाय 5 माइक्रो फैराड। मतलब अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करा कि इन दोनों का भी एक बना लिया, अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बनना चाहिए कि सर दैट्स द C, दैट्स द C फर्स्ट का भी बना चुके हैं और एक कौन सा बना बेटा C 4 5 6 एंड द 7 और नीचे यहां बेटा दैट्स द C ऑफ 1 2 एंड द 3। Now that's a diagram, that's a point of A और that's a point of B, इतने बिल्कुल क्लियरिटी होगी। और देखो बेटा डायग्राम बनाते ही एकदम साफ दिख गया कि सर इन दोनों में जो भी करंट है वो अलग अलग वायर से आएगा, तो एक वायर से आ रहा है अलग अलग वायर से आ रहा है, इसमें तार अलग है और उसमें तार अलग है। तो क्या बना कि सर सी वन टू थ्री एंड द सी फोर फाइव सिक्स एंड द 7 are joined in the parallel combination. कौन सा combination parallel हो गया? अगर ये parallel combination हो गया बेटा, तो C 1 to 3 parallel में क्या होता है? C 1 plus C 2, तो C 1 to 3 plus C 4 5 6 and the 7, तो that's a C 1 to 3 4 5 6 and the 7। इससे गलती नहीं होती है, 7 का question है और साथ में यहाँ पे आ गए, तो इससे गलती नहीं होगी। तो C 1 to 3 का value कितना बेटा? 4 by 3. That's the 4 by 3 microfarad और उसका value क्या निकला बेटा? That's the 6 by 5 microfarad और that's the C of 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the 7। इसके LCM ले ली, LCM आएगा 15, 3, 5, the 15 और 5, 4, the 20, 5, 3, the 15 और 3, 6, the 18 और that's the C, इसे C double dash बोल देता हूँ, that's the 38 by 15, 38 by 15, that's the C double dash, मतलब बेटा किसी डबल डैश का वैल्यू हो गया 38 बाय 50। अब देखो बेटा इसका हम एक बना चुके हैं कि ये और ये एक बन चुका है सी डबल डैश, तो हमारा क्वेश्चन अब क्या रह गया? दैट्स अ सी, दैट्स द सी और दैट्स द सी 1 2 3, सी 1 2 3 4 5 6 एंड द 7, तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ ए और दैट्स अ पॉइंट ऑफ बी, बिल्कुल साफ दिख गया होगा। अब क्वेश्चन था कि सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड द बी इज द 1 माइक्रो, तो हो गया क्वेश्चन। दीज टू आर इन सीरीज, साफ दिखा दी सर, दीज टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन तो 1 बाय सी, 1 बाय सी प्लस 1 अपॉन सी 1 2 3 4 5 6 एंड द 7 और दैट्स द 1 बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इन द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी दैट्स द 1, दैट्स द 1 और दैट्स द 1 बाय सी और दैट्स द 1 अपॉन 38 बाय 50 आ गया, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 15 ऊपर चला जाएगा 50/38 एंड गेट द वैल्यू ऑफ सी। ये क्वेश्चन था बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, दोबारा समझ लो, बार-बार इस क्वेश्चन को समझो तक नया क्वेश्चन आने लगे, मैं चलो बेटा क्वेश्चन था बेटा कि सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, इधर टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द बी इज द 1 माइक्रो फैराड और हर कैपेसिटर का वैल्यू कितना बेटा 2 माइक्रो फैराड। तो डीप जाके क्वेश्चनों को करने की नीड नहीं होती बेटा, डायग्राम में साफ दिख रहा बिना पैन के कर लो कि दिस टू आर जॉइनिंग पैरेलल, तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 दैट्स अ 1, दैट्स अ 1 और दिस टू आर जॉइनिंग सीरीज, तो इसको करेगा तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 करेगा दैट्स अ 1, दैट्स अ 1। तो देख बेटा इसका वैल्यू कितना आ गया 4, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, नाउ 1 एंड द 4 इसका एक बन चुका है, तो क्या बोलेगा सर इन दोनों को हमने एक बनाया तो 1 एंड द 4, 1 एंड द 4 आर जॉइनिंग सीरीज, 1 और 4 आर जॉइनिंग सीरीज, अगर से आगे सॉल्व कर देगा तो C1 एंड द C2 3 इन दिस टू आर जॉइनिंग सीरीज, अगर इन दोनों का एक बना लेगा तो
यहाँ देख बेटा सी वन एंड सी टू थ्री आर ज्वाइन इन सीरीज, तो वन बाई टू और प्लस वन बाय फोर। स्ट्रेट क्वेश्चन को करते जाओ यार, क्या दिक्कत है, इसका एक बन जाएगा, उसके बाद इन दोनों का एक बनाने के बाद जो एक बनेगा वो सीरीज में आ जाएगा, तो बना बना के डायग्राम को लेकर यहाँ पर जाएगा। अब इसमें साफ करेगा कि दोनों में एक ही बार से फ्लो करेगा, तो दीज टू आर ज्वाइन इन सीरीज, इसका एक बना लो, जो भी एक आएगा उससे पैरल में आएगा, तो डायग्राम यहाँ पर जाएगा। अब दीज टू आर ज्वाइन इन पैरल, तो इसको अगर एक बनाया गया तो डायग्राम ये बन जाएगा। जब डायग्राम ये बन जाएगा बेटा, तो साफ दिख जाएगा कि सी एंड दिस आर ज्वाइनिंग सीरीज, और दोनों अगर सीरीज में है तो वन अपॉन टोटल कैपेसिटेंस जैसे इक्वल्स वन बाय सी और प्लस वन बाय सी, ये वाला वैल्यू एंड द टोटल कैपेसिटेंस इज द वन, टोटल कैपेसिटेंस इज द वन जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और सी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो सी आ गया और उसका वैल्यू क्या निकला बेटा 38/15, तो इसको यहाँ पुट कर दे, उल्टा करेगा तो 15/38 और सी का वैल्यू से माइनस करके आप इसका आंसर निकाल लेना। देखो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूँ बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सी बी एस ई लेवल में पढ़ा रहे हैं, जी और नीट की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, सिंपल सी बी एस ई को पहले एक बार देख बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी बी एस ई लेवल के क्वेश्चन है, हाई लेवल पर भी नहीं है। मुझे मेंशन है इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर से सीढ़ी हुआ करती है, सीढ़ियों में स्टडे लगे होते हैं, ऐसे इनफाइनाइट है, फर्स्ट रो में एक कैपेसिटर, सेकंड रो में दो कैपेसिटर, थर्ड रो में फोर्थ चार कैपेसिटर, अगले रो में आठ कैपेसिटर, अगले रो में 16 कैपेसिटर, अगले रो में 32 कैपेसिटर, फिर 64, फिर 120 टिल इनफाइनाइट, ये क्या बेटा इनफाइनाइट, और क्वेश्चन है फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। फिर से रिपीट कर देता हूं, मेरे पास एक इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट लैडर है बेटा, फर्स्ट रो में एक कैपेसिटर, सेकंड रो में दो कैपेसिटर, थर्ड रो में चार कैपेसिटर, अगली रो में एट कैपेसिटर, फिर 16 कैपेसिटर और फिर 32 कैपेसिटर टिल इनफाइनाइट, ठीक है बेटा इनफाइनाइट, और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो करना शुरू कर दो। एकदम साफ दिखता है कि सर दैट्स द फर्स्ट रो, दैट्स द फर्स्ट रो, दैट्स द फर्स्ट ऑफ रो, दैट्स द सेकंड रो। अभी सेकंड रो में जो दो कैपेसिटर हैं दीज टू आर ज्वाइनिंग सीरीज, इतना तो आप समझने लगे हैं। इस वाली थर्ड रो में दीज फोर कैपेसिटर आर ज्वाइनिंग सीरीज, अगले में दीज एट कैपेसिटर आर ज्वाइनिंग सीरीज, फिर दीज 16 कैपेसिटर आर ज्वाइनिंग सीरीज, फिर 32 कैपेसिटर आर ज्वाइनिंग सीरीज। लगाओ दिमाग अपने आप, फर्स्ट रो में एक कैपेसिटर, फर्स्ट रो में एक कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट रो दैट्स अ 1 माइक्रो फैराड। अगर हम सेकंड रो की बात करें, सेकंड रो में चलो सॉल्व कर देता हूं, द सी वन एंड द सी टू आर ज्वाइन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड रो, तो दैट्स द 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 यानी कि 2, यानी कितना बेटा 2, इसे उल्टा करेगा तो कैपेसिटेंस यानी कि 2 बाय 1 आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड रो दैट्स द 1 बाय 2 माइक्रो फैराड, क्योंकि दो लगे हुए यार। अगर इसको देखें थर्ड रो, तो इस वाली कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड रो को पेन में पकड़ना यार, बिना पेन के करते जाओ, दिस 4 आर ज्वाइनिंग सीरीज, तो 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 4 यानी कि 4 आएगा और उल्टा करेगा तो दैट्स द 1 बाय 4 माइक्रो फैराड, करके दिखाऊंगा आ गया। तो इसको फाइंड करेगा कैपेसिटेंस ऑफ फोर्थ रो, तो दैट्स द 1 बाय 8 माइक्रो फैराड, कैपेसिटेंस ऑफ फिफ्थ रो निकालेगा तो दैट्स द 1 बाय 16 माइक्रो फैराड, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिक्स्थ रो दैट्स द 1 बाय 32 माइक्रो फैराड, कितने भी लगाते जाओ इनफाइनाइट है यार। अब देख बेटा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक इनफाइनाइट सीढ़ी है, उस पर इनफाइनाइट सीढ़ी की फर्स्ट रो में एक कैपेसिटर, सेकंड रो में दो कैपेसिटर, थर्ड रो में चार कैपेसिटर, अगले में 8, फिर 16, फिर 32, और क्वेश्चन है सर फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, तो फर्स्ट रो का 1 माइक्रो फैराड, सेकंड रो का 1 बाय 2 माइक्रो फैराड, थर्ड रो का 1 बाय 4 माइक्रो फैराड, 1 बाय 8 माइक्रो फैराड। अब खुद सोचो अपने आप में जितनी भी रोज हैं, ऑल द रोज आर जॉइन इन द पैरेलल, ऑल द रोज, ये रो और ये रो पैरेलल में, ये सारी रोज इसमें है पैरेलल में है, तो अगला वर्ड क्या बोलेगा सर, ऑल द रोज, ऑल द रोज आर ज्वाइन, ऑल द रोज आर ज्वाइन इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट रो प्लस कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड रो प्लस कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड रो, कैपेसिटेंस ऑफ फोर्थ रो, कैपेसिटेंस ऑफ द फिफ्थ रो टिल इनफाइनाइट, और दैट विल बिकम द टोटल कैपेसिटेंस। अब देखो बेटा इसके अंदर कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट रो दैट्स द 1 माइक्रो फैराड, कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड रो दैट्स द 1 बाय
2 microfarad, that's the 1 by 4, or that's the 1 by 8, or that's the 1 by 16, or that's the 1 by 32 till infinite. यही सीखेगा, that's the total capacitance. अगर हम इसे और सॉल्व करें बेटा तो C is equal to 1 plus, that's the 1 by 2, और 1 by 4 को we can say 1 by 2 का square, 1 by 8 को we can say 1 by 2 का cube, और that's the 1 by 2 का power 4, और that's the 1 by 2 का power 5 till infinite. अब देखो बेटा ये सम है, ऑब्वियस है कि सम है, पर देखो बेटा ये सम ऑफ AP है, GP है, ऐसा मैं आपको पहले सेकंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था, तो आप कहेंगे सर ये GP है, क्या बेटा GP है, ये GP है, सम ऑफ GP है, तो सर ये सम ऑफ GP है, अब सम ऑफ GP ऑफ n टर्म्स या इनफाइनाइट टर्म्स, तो आंसर आएगा सर इनफाइनाइट टर्म, तो मेंशन करो कि सर दैट्स द सम ऑफ GP, क्या बोलेगा सम ऑफ ए GP of how many terms? That's the infinite terms. फिर समझें, that's the sum of GP of the infinite terms. और infinite terms का formula आपको पहले पढ़ाया जा चुका है. That's the A upon 1 minus R. That's the sum of GP of the infinite terms. First class को याद कर लो. इसमें A बोलने का मतलब होता है बेटा first term. A is what? A is the first term. और जो R होता है बेटा, that's the common ratio. और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो फर्दर सॉल्व करेगा तो ए इज द फर्स्ट टर्म, दैट्स द 1, दैट्स द 1 ही आएगा, और आर इज द कॉमन रेशियो, यानी कि सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, कोई भी करके निकाल लो तो हाफ बाय 1 करेगा तो हाफ ही आ जाएगा, दैट्स द 1 बाय 2, तो C का वैल्यू क्या निकला बेटा 1 अपॉन दैट्स द 1 बाय 2, और उल्टा करेगा तो C इज द 1 इनटू में 2 बाय 1, यानी कि दैट्स द 2 माइक्रो फैराड. अब देखिए बेटा अभी कैपेसिटर के बेटा काफी वीडियोस आएंगे, छोटा टॉपिक नहीं है, अभी इसमें बेटा एक वीडियो मैं आपको कल डाल के दूंगा, कल पक्का एक वीडियो आ जाएगा, उस वाले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 12-13, जब 12-13 न्यूमेरिकल्स करा देंगे फिर इसका छोटी का पार्ट पढ़ाएंगे, अभी सीरीज और पैरेलल चल रहा है, फिर पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स आएंगे, पोटेंशियल और कैपेसिटर फिर आगे चलेंगे, ठीक है, आ जाते हैं.